કન્હા ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ ગોંડલ કી ઓર સે મેં જાની દેખતા આપકી સ્પોર્ટ્સ કોચ. સો સ્ટુડન્ટ્સ કેસે હો આપ રોજ યોગા કર રહે હોંગે યે મિસ વિરલ મેમ હૈ જો હમે યોગા મેં સપોર્ટ કરેંગે તો ચલિયે હમ યોગા કરતે હૈ. આજ હમે યોગા નહીં કરના હૈ, આજ હમે અપને બોડી કે લિયે થોડી સી એક્સરસાઇઝ કરની હૈ તો ચલિયે હમ એક્સરસાઇઝ કરતે હૈ. ટોટલ બોડી વેટ લોસ ઓર સ્નાયુ કે દર્દ કે સાથ મેં પૂરે બોડી કો હલકા ફુલકા કરને કે લિયે એક્સરસાઇઝ કી જાતી હૈ જો દો પાર્ટ મેં હોતી હૈ. પહેલે હમ આપકો પાર્ટ 1 કરકે દિખાયેંગે, ફિર હમ આપકો પાર્ટ 2 કરકે દિખાયેંગે. આપકો એક્સરસાઇઝ કરની હૈ તો ચલિયે હમ એક્સરસાઇઝ શરૂ કરતે હૈ. પહેલે એક્સરસાઇઝ પાર્ટ 1. એક્સરસાઇઝ પાર્ટ 1 કે લિયે પહેલે દોનો પાંવ સીધે ઓર દોનો હાથ સીધે, ફિર ધીરે સે અપને દોનો પાંવ કો ફેલાના હૈ. થોડા ગેપ રખના હૈ દોનો પાંવ કે બીચ મેં, દોનો હાથો કો ફેલાના હૈ અપને સાઇડ કી ઓર इस तरह से. फिर अपने बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करना है, दोनों हाथ सीधे रहे ये खास ध्यान रखना है आपको. हमें 10 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 काउंट हो गए, फिर सीधी स्थिति में आ जाना है और वापस अपने ऑपोजिट साइड यानी कि दूसरी साइड ये करना है. वहां भी हमें 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कंप्लीट हो गया. दोनों साइड को ऐसे ही आपको 10 टाइम काउंट करते जाना है और ये एक्सरसाइज करती जानी है. वेट लॉस के लिए और पूरी बॉडी में शक्ति आ हमारी शक्ति बढ़ाने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी आवश्यक है. तो ये था हमारा पार्ट 1. मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे. अब हम हमारे दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं. पार्ट 1 में हमने खड़े खड़े एक्सरसाइज की, पार्ट 2 में हम अपने घुटनों पे बैठ जाएंगे. जैसे ही हमने खड़े रह के एक्सरसाइज की थी वैसे ही ये एक्सरसाइज कर रहे, घुटनों पर केवल बैठ गए, अब घुटनों पे खड़े होना है. दोनों हाथों को फैलाना है. पहले हम कौन सी साइड करेंगे, लेफ्ट साइड. अपने पूरे बॉडी को टर्न करना है. ये एडवांस योग है पार्ट 1. 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर हम सीधा हो जाएंगे. अब हम ऑपोजिट साइड करेंगे, वहां पर भी हम 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 काउंट हो गया, फिर हम अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे. ये एक्सरसाइज हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर हर सुबह हम ये एक्सरसाइज कर ले तो हम आराम से अपना शरीर को हल्का फुल्का कर सकते हैं. योग का नियम होता है खाना खाने के 4 घंटे बाद और या 4 घंटे पहले ही हम योग कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसे भी है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है.